सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने चैप्टर आपका शुरू किया एक्सपेरिमेंट विद वाटर, और हम उसकी एक पोएम तक पहुंच गए थे, राइट? आई होप आप सभी ने तो नहीं की है अब पोएम मुझे अभी तक सेंड ना। उसकी मैंने बोला था रिसाइट करके और लर्न करके, वो पोएम की आपको एक ऑडियो मुझे सेंड करनी थी या फिर वीडियो सेंड करनी थी होमवर्क ग्रुप पे। अभी तक तो किसी ने की नहीं है, राइट? तो प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी करिए। तो शुरू करते हैं हम। डू दिस एंड फाइंड आउट। डू दिस एक्सपेरिमेंट विद अ ग्रुप ऑफ फोर फ्रेंड्स। अपने चार दोस्त हैं, देखिए स्कूल तो आ नहीं रहे हैं, अपने चार दोस्त के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। ईच ग्रुप को क्या चाहिए? एक बड़ा सा पॉट चाहिए जिसमें पानी भरा हो, और कुछ चीज़ें चाहिए जो इस टेबल में लिखी हुई नीचे, ठीक है? पुट ईच थिंग इन वन बाई वन इन वाटर एंड ऑब्जर्व। हर चीज़ को क्या डालना है आपको? पॉट में डालना है वाटर में, और उसके बाद ऑब्जर्व करना है। राइट दिस ऑब्जर्वेशन इन टेबल इन द नेक्स्ट पेज, और वो सारी ऑब्जर्वेशन इस टेबल में लिखनी है, राइट? पॉट चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना है? एम्प्टी बाउल और कटोरी। आई सो व्हेन आई डिड इट, ठीक है? एम्प्टी बाउल जैसे ही आप डालेंगे तो आपको बताना है, पहले तो आपको गेस करना है कि आप एम्प्टी बाउल को अगर डालेंगे तो क्या होगा, मतलब वो अंदर जाएगी या फिर क्या होगा उसके साथ, राइट? अगर एम्प्टी बाउल कटोरी को डालेंगे, और जब आप डालेंगे तो जैसे आपको लगता है कि वो डूब जाएगी, राइट? तो आप लिख देंगे यहाँ पे इट विल सैंक। उसके बाद अगर वो डूबती नहीं है, तैरती है, तो आप लिख देंगे कि वो फ्लोट कर रही थी वाटर पे, ठीक है? अब उसमें क्या करेंगे? दो तीन चार पत्थर डाल देंगे, फिर बताएंगे कि आप गेस कर रहे थे उसके बाद क्या हुआ। एक आयरन नेल या पिन डालेंगे, क्या गेस कर रहे थे अब क्या हुआ। एक माचिस मैच स्टिक डालेंगे और गैस कर रहे थे और फिर बाद में क्या हुआ। कोई एम्प्टी प्लास्टिक बोतल जो बंद हो, फिर कोई बोतल जो हाफ फिल्ड वाटर से हो, या फिर बोतल जो पूरी पानी से भरी हुई हो, तो आपको ये सब बताना है कि क्या हुआ, आपने क्या सोचा था और एक्चुअल में क्या हुआ। उसके बाद एल्युमिनियम, आप अगर आपके पास पॉट ना हो तो आप बकेट भी ले सकते हैं, बाल्टी भी ले सकते हैं, ठीक है? एल्युमिनियम फॉइल जो मेडिसिन पैकिंग के लिए यूज़ होती है। ओपन स्प्रेड आउट टाइटली प्रेस्ड बॉल एंड इज़ अ कप शेप, कप की शेप में हो, वो सब आपको डाल के और एक्सपेरिमेंट करके बताना है, ठीक है? ये आपकी एक्टिविटी है, आपको मुझे मंडे तक शो करनी है, राइट? हम गूगल मीट लेंगे और उसके बाद मैं आपकी एक्टिविटी ये चेक करूँगी। सोप केक, साबुन का क्या होगा, और अगर प्लास्टिक प्लेट के ऊपर वो सोप केक है तब क्या होगा, राइट? अ पीस ऑफ आइस, बर्फ के साथ क्या होगा, ये सब आपको भरना है। उसके बाद ये है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम हमेशा क्वेश्चन आंसर पार्ट और ये सब बाद में डिस्कस करते हैं। इज इट मैजिक व्हेन आयशा वोक अप इन द मॉर्निंग, अमी नेवर हैड अ फीवर, अब्बू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अमी, ही टोल्ड आयशा यू बॉयल एग्स। तो क्या होता है, आयशा सुबह उठती हैं, उठकर देखती हैं मम्मी को तो फीवर है, तो जब उनकी अम्मी को फीवर है तो उनके अब्बू वो कुछ चाय बना देते हैं उनके लिए, और क्या देते हैं उनको, मेडिसिन देते हैं उनकी अम्मी को। तो आयशा के से बोलते हैं वो कि जाओ आप अंडे बॉईल कर लो। उसके बाद क्या होता है, ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन वाटर, और थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा पानी में। आयशा टुक वाटर इन द पॉट, बाई मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर। अब क्या होता है, आयशा तो छोटी है, उन्हें थोड़ी ना पता कितना वो डालना है उन्हें नमक, तो वो बहुत ज़्यादा नमक डाल देती हैं। आयशा टुक वाटर इन द पॉट, और पानी ले लेती हैं पॉट में। उसके बाद होता क्या है, शी शो द एग इन द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन द वाटर। वो क्या देखते हैं, जो बॉटम में जो पॉट के जो वो थे एग, वो फ्लोट करना शुरू हो गया। टेक सम वाटर इन अ ग्लास, पुट अ लेमन एंड नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर अ हाफ स्पून एट अ टाइम, वी आर एबल टू फ्लोट योर लेमन। अब देखिए आपको करना क्या है, नींबू लेना है, ठीक है? नींबू को पानी में डाल देना है, उसके बाद आधी आधी चम्मच करके उसमें क्या डालना है आपको, नमक डालना है, और देखना है कि वो फ्लोट हो रहा है या नहीं हो रहा है नींबू, राइट? वैसे नींबू तो बिना उसके भी फ्लोट हो जाते हैं, आई थिंक पानी में ऐसे ही डाल देते हैं तो फ्लोट होने लग जाते हैं, आप मुझे एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे। डेड सी, एक डेड सी है, डेड सी मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। अब पढ़ते हैं, ऑल ओशंस एंड सीज आर सॉल्टी, जितने भी ओशन सीज हैं उनमें सॉल्ट तो होता ही है। द सॉल्टीस्ट ऑफ ऑल इज डेड सी, जो सबसे ज़्यादा सॉल्टीस्ट है वो है डेड सी। हाउ सॉल्टी, इमेजिन
300 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर वाटर, एक लीटर पानी में 300 ग्राम क्या है उसमें सॉल्ट है। वुड यू एबल टू इवन टेस्ट द सॉल्टी वाटर, आप टेस्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, इट वुड बी वेरी बिटर। ठीक है, इंटरेस्टिंगली इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम शी वुड नॉट ड्रॉन इन द सी। अगर किसी इंसान को तैरना भी नहीं आता है तो वो सी, उस सी है जो वो डेड सी, उसमें क्या होगा, उसमें वो तैर सकता है क्योंकि वो डूबेगा नहीं उसमें, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट है। शी विल फ्लोट इन द वाटर एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट, जैसे ये देखिए लाइंग डाउन कर रहे हैं। और रिमेंबर द लेमन यू फ्लोट इन द सॉल्टी वाटर, ठीक है, आप अभी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं है तो आप जब करेंगे तब आपको पता चलेगा, राइट। What dissolve, what did not? क्या डिजॉल्व होता है और क्या नहीं डिजॉल्व होता। On Sunday, Aisha's cousin brother Hamid came to her house to play. अब आयशा का कजिन ब्रदर हमिद वो उसके घर खेलने के लिए आता है। As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite शक्करपुरा। एक शक्करपारा डिश है, स्वीट डिश है, वो बोलते हैं अम्मी से, मतलब उनकी अम्मी से, किसकी अम्मी से, आयशा की अम्मी से, कि शक्करपारा बना दीजिए। अम्मी सेड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट देन आई विल मेक सम फॉर यू। तो अम्मी कहती हैं कि पहले मैं मार्केट चले जाऊँ उसके बाद मैं बनाऊँगी। वाई डोंट यू हेल्प मी, तो वो बोलती हैं कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो। टेक टू ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट अ बाउल ऑफ शुगर इन इट, एक दो ग्लास पानी लो और उसमें एक कटोरी क्या डाल दो, चीनी। मिक्स इट टिल इट डिजॉल्व, उसे घोलते रहो तब तक कि जो चीनी है वो डिजॉल्व ना हो जाए। Let me finish this work first, then I'll watch TV. तो हमिद कहता है कि मैं पहले ये काम कर लूँ उसके बाद मैं TV देखूँगा। Suggest some ways to Hamid to quickly dissolving sugar. कुछ तरीके बताइए जिससे जो चीनी है बच्चों वो जल्दी घुल जाए। देखो एक मैं बता देती हूँ, अगर पानी गर्म करेंगे वो हमिद जो है और गर्म पानी में चीनी घोलेंगे तो वो बहुत जल्दी घुल जाएगी। अब आप भी मुझे एक दो तरीके बताएंगे कॉमेंट सेशन में, कि अपनी मम्मी से पूछेगा या फिर अपने दादी से पूछेगा कि और कौन सा एक तरीका हो सकता है जिससे जो चीनी है वो जल्दी घुल जाए, राइट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए क्योंकि कोविड फिर से ज़्यादा फैल रहा है, अपने घर में ही रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अपना नेम, रोल नंबर, क्लास सेक्शन कॉमेंट सेशन में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों। अपना होमवर्क और जो एक्सपेरिमेंट वगैरह हमने किए हैं वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे होमवर्क वाले ग्रुप पर सेंड करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।